कुछ इस प्रकार से है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नाइट एंड एनर्जी में आपका स्वागत है। आपका भाई सचिन यादव दिल से वेलकम करता है। तो गाइस, पहले आप जानते थे जब बिजली नहीं थी तो जनरेटर चलता था, और जनरेटर से जो कि ट्यूबवेल होती थी उसमें पानी निकालने का काम किया जाता था, और उसका प्रोसेस और शिफ्ट हुआ ट्रैक्टर पुली पे। वैसे आप जानते हैं वो ट्रैक्टर में कौन सा चीज़ है जिसे लगाने पे ट्रैक्टर के अंदर भी पुली लग जाती है, और जिससे कोई भी बेल्ट का काम, आप गन्ने को जूस निकाल सकते हो, ऊप फेर सकते हो, और भी सारी चीज़ें जो कि पुली पट्टे पे की जाती है, चक्की चला सकते हो, पहले तो शाफ्ट भी चल सकता है, लेकिन जो कि पहले पुली पे भी जो कुआँ है, कुआँ का जो शाफ्टिंग होती है वो भी ट्रैक्टर से चलती थी। जब बिजली कट जाती थी गाँव में और सिंचाई करना होता था तो ट्रैक्टर में वो एक कनेक्टर, जैसे हिच नहीं लगाते हैं ट्राली कनेक्ट करने के लिए, कुछ उस प्रकार से वो पुली लगाते हैं। और उस पुली को चलो हम आपको दिखा देते हैं, मुझे एग्जैक्ट उसका नाम तो नहीं पता है, पर उस पुली को मैं दिखा देता हूँ। कुछ काम आप कर देना, उसका एग्जैक्ट नाम आप बता देना उस पुली सिस्टम का, जो कि पीटीओ में हम अटैच करेंगे टेम्परेली, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसका अभी कोई यूज़ नहीं है घर पर, ऐसा कुछ पड़ा था जिसे आपको दिखा दें और यूज करके भी दिखा दें। चलो तो 3, 2, 1 करते हैं, अपने सोनालिका में आपको दिखाते हैं। कल्टीवेटर थोड़ा सा हटा लेते हैं, कल्टीवेटर पहले निकालो ये यहाँ से, उसके बाद हिच निकालेंगे, तब जाकर आपको लगाकर और दिखाएंगे कुछ अच्छे से। चलो तो पहले मिलवा देता हूँ जिससे आपको मिलवाना है। 3, 2, 1 जिसे हमें दिखाना था दिखाऊं आपको। तो गाइस ये देखो, यही ये पुली जो कि ट्रैक्टर में यहाँ से इसके पीटीओ में लगता है, जो कि ये इसके मतलब जो ट्रैक्टर का पीटीओ का शाफ्ट इसमें हलेगा, और इसमें गियर्स लगे हैं और वो गियर इस पुली को चलाएंगे। चलो तो फटाफट, और इसमें देखो यहाँ पे ऑयल रहता है, अभी हमने खोला था, इसमें ऑयल है अभी। खोलो एक बार दिखा दें, और कुछ इस तरीके से इसमें गियर्स है जो गियर्स कन्वर्ट करते हैं इसके रोटेशन को इस तरीके से, इस वाले रोलिंग में। चलो फटाफट से इसमें ऑयल तो है ही, एक बार आपको दिखा देते हैं अगर कैमरे में कुछ दिखा तो। गियर बॉक्स जनरली इसे बोल सकते हैं, और ये रोलिंग घूमने लगेगा तो कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो गाइस ये देखो, इसमें होल कुछ इस तरीके से, इसमें हल्का सा ऑयल है। अब इसको बंद करते हैं और फटाफट से इसको लगाते हैं इसमें ट्रैक्टर में कुछ यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये जो दिया नहीं है, इसमें नट नहीं लगाया हमें, अगर परमानेंट कसना होता कुछ चलाने के लिए तो इसको निकाल कर इसमें नट लगाना होता, हमें तो बस सिर्फ आपको ट्रायल देकर चलाना है। तो फटाफट से इसमें लगाते हैं इस शाफ्ट में और घुमा कर दिखाते हैं आपको। भाई रोहित भाई बाहुबली ला रहा है इसको यहाँ पर लगाने के लिए, है तो भाई भारी पर उतना भी नहीं है, हो जाएगा काम। तो भाई चलो फटाफट इसे लगाते हैं, पकड़ो रोहित भाई, पहले इस बगल की लगाते हैं। भाई इसमें मूर्छा यानी कि थोड़ा सा जंग था तो इसके होल कम पड़ रहे थे, तो निकाल कर देखो इसकी हमने सफाई की थोड़ा सा। एक बार की मेहनत असफल होते हुए दूसरी बार प्रयास करते हुए, और हम हमारे भाई जाओ उठाओ भाई, जो कि देखो 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 ठोको रही तो ठोको तुम चलाओ। हमने इसको आधा मतलब हला दिया है, नट बोल्ट से टाइट नहीं कर, मैं यहाँ पे पकड़ा रहूँगा, डेमो के लिए स्टार्ट करता है रोहित भाई। चलो तो थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, आप चलते हुए देख लो। ये चला, एक्सीलरेटर लो, Let's go,
जाओ भाई। ओ भाई ये देखो कुछ इस तरीके से चल रहा है, बस नट बोल्ट पे नहीं है इसलिए पकड़ना पड़ रहा है। भाई जाए बंद कर दो इंजन। तो भाई आपको कैसी लगी ये वीडियो? बस हमको इसके लिए पकड़ना पड़ा क्योंकि हम चारों नट नहीं कसे थे। अगर हम चारों नट कसते तो ये सेंटर में ऐसे चलता। आप कोई भी पट्टा लगाओ और सामने चीज़ चलाओ। तो हमने इसको आपको दिखा दिया है भाई। इस वीडियो के लिए लाइक एंड जरूर कर देना, थोड़ा सा ज़्यादा ये था। चलो तो फटाफट सामान सारे सामान अलग करते हैं, आप इंजॉय करो और सब्सक्राइब करो। ये देखो गाइस मेसी में पहले से ही नट लगा कर देता है, बस हला कर कसना रहता है। 1, 2, 3 और 4 कुछ इस तरीके से। 72-50 का दिखा रहा हूँ, रुको 241 का भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इसमें तो और अच्छा दिया है। लगाओ नीचे और काम चालू कर दो। तो उसी लिए दिया रहता है कि अटैच कर पुली चलाओ। देखो 1, 2, 3, 4 और सोनालिकाम बस इसका जगह छोड़ देता है, ये नट भी नहीं देता है। देखो कुछ इस तरीके से। तो भाई मैंने कल्टीवेटर भी ना दिया, इसमें सब अच्छे से हो गया पहले जैसा। बस बंद कर दो।